माटी मेला 2024 का शुभारंभ हो चुका है। हमारे साथ मंत्री राकेश सचान जी हैं। सर, क्या उद्देश्य इस मेले का? मेले का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली में मिट्टी के बर्तन उनों का उपयोग होता है, और चाहे गणेश लक्ष्मी हो चाहे दिया हो, वो जो बर्तन हैं उनको खरीदारी के लिए एक डाली बाग में खादी मुख्यालय में ये मेला आयोजित किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें, खरीदारी करें, तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश से मिट्टी के जुड़े उत्पादक हैं उनका लाभ मिले। सर, जैसा कि पिछली बार रिकॉर्ड बनाया गया था दीपोत्सव लेके अयोध्या में, इस बार क्या रहेगा? प्रतिवर्ष रिकॉर्ड बनता है और उस रिकॉर्ड को हम ही तोड़ते हैं। मतलब हमारी सरकार की तरफ से, दीपोत्सव ट्रस्ट की तरफ से होता है, माननीय योगी जी पूरी उसकी देखरेख में करते हैं। प्रतिवर्ष दीपोत्सव जो ग्रीनिज बुक में लिखा जाता है उसका रिकॉर्ड हम ही तोड़ते हैं, और वो फिर रिकॉर्ड टूटेगा। और दीपोत्सव में लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश और देश के लोग जुटते हैं, देखते हैं, अपना सहयोग देते हैं, उनको भी मैं दीपावली के दीपोत्सव की बधाई देता हूं। हमारे साथ राकेश जी थे, उन्होंने साफ तौर से बताया कि इस बार अगर बात की जाए तो फिर से दीपोत्सव में एक रिकॉर्ड टूटने वाला है पिछली बार का। कैमरामैन मेराज के साथ अश्वनी अवस्थी, #भारत लखनऊ।